हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं. तो देखिए, आज का वीडियो जो है काफ़ी दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि एक हफ्ते से अब वीडियो जो मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसी की वजह से. तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले. और मेरी अदर वीडियो जो है, जैसे कटिंग स्टिचिंग के रिलेटेड जो है, वो सारी लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं. और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कटिंग करना बताऊंगी एक सिंपल सलवार जो होती है. जैसे हम एक तो सलवार होती है जैसे हम आम पहनते हैं, ऊपर बेल्ट लगा के जिसमें चुनौटे वगैरह डाल के वो बनाते हैं, और एक सलवार होती है बिल्कुल सिंपल जिसमें कोई भी ऊपर बेल्ट नहीं होती है. सिंपल सलवार जो होती है, जैसे हमारी जो दादी है, जैसे बुजुर्ग वगैरह जो है वो पहनते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें उसे कटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, हमें उसे कटिंग करना नहीं पता चलता कि कैसे कटिंग करें. तो आज की वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगी, बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीके से उसकी कटिंग जो है मैं बताऊंगी. तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना. कि ये मेरे पास कपड़ा है, ये देखिए इस तरह से, ये 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है, तो इसी की कटिंग जो है वो मैं करूँगी. तो पहले मैं इसको इस तरह से इसको कर लूंगी फोल्ड. इस तरह से इसको फोल्ड करना है. तो देखिए, इस तरह से हम मैंने इसे जमीन पे बिछा दिया है. अभी इसको ये ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हम कट करेंगे पहले, और इसको इस तरह से फोल्ड करना है. इस तरह से 4 फोल्ड इसके जो है वो हमें लगाने हैं. देखिए, 4 फोल्ड मैंने इसके जो है वो लगा दिए हैं, ये इस तरह से. ये देखिए, 1 2 3 4, 4 फोल्ड. अभी जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कर लेंगे कट. ये देखिए, ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके सीधा कर लेंगे. इस तरह से ये हो गया सीधा. अभी हम करेंगे इसकी कटिंग. करते हैं इसकी, पहले निशान लगाएंगे. जो सलवार हमारी जो है वो 35 इंच उसकी लेंथ है, तो यहाँ से हमें 3 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है, यहाँ से नापना है. ये देखिए, ये है 35 इंच, इतनी हमारी तैयार सलवार जो है वो आएगी. तो 3 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, 35, 36, 37, 38, 38 इंच पे हम लगाएंगे इसका निशान इस तरह से. और उसके बाद यहाँ से लगाना है 6 इंच पे हम लगाएंगे पोंचे का निशान, और उसके बाद 2.5 इंच पे जो है वो कुंदे का निशान होता है. और ये सारा हम बीच में ही लगाएंगे, कोई भी इसमें कटिंग वगैरह जो है वो नहीं करेंगे. इस तरह से ये हो गया, 6 इंच पे हमारा पोंचे का निशान, और 2.5 इंच जिसको हम कुंदा बोलते हैं उसका निशान हो गया. तो ये 8.5 इंच पे हमने लगा दिया निशान, 3 इंच एक्स्ट्रा रख के. अब ऊपर से लगाएंगे निशान इसका, यहां से ये है 21 इंच, 21.5 इंच आ रहा. तो यहाँ से हम पूरी इसकी जो घेरा है वो हम पूरा ही रख लेंगे इसका, क्योंकि हमें थोड़ी सी खुली खुली सलवार जो है वो चाहिए. और उसके बाद यहाँ पे आसन का निशान जो है वो लगाएंगे. आसन हमें लगाना है, अगर कोई पतला है जिसकी आप सलवार की कटिंग कर रहे हैं तो उसका आप 16 इंच पे भी रख सकते हैं, पर अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ 18 इंच पे भी, क्योंकि मुझे आसन जो है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए. 18 पे लगा रही हूँ, तैयार करके जो 15 रह जाएगा. उसके बाद ये आसन लगा लिया, उसके बाद यहाँ से मैच करना है, यहाँ से रख के और यहाँ पे ये आपको मैच करना है.
यहाँ से, ये देखिए इस तरह से आपको जो है ये निशान जो है वो मैच करना है। यहाँ से हम करेंगे इसकी कटिंग, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने ये सलवार जो है वो कटिंग कर, हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से ये होगी हमारी कटिंग सलवार की। अब यहां से ये निशान जो लगाया है इसको ऐसे हम फोल्ड करें, और यहां पे भी हम 6 इंच पे जो 6 इंच पे जो है इस तरह से 6 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगाया था, यहाँ पे हम लगा लेंगे एक कट। इस तरह से अभी जब हम स्टिचिंग करेंगे तो एक कट यहाँ से पकड़ना है, एक नीचे से, तो बिल्कुल बीच बीच में सिलाई जो है वो लगा देनी है। इसमें 4 सिलाइयाँ जो है वो लगेंगी, 4 सिलाइयाँ जो है वो लगेंगी, और कोई भी और एक जो है वो सिलाई जो है वो लगेगी आसन की, और उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई जो है वो हमें नहीं लगानी है। एकदम सिंपल तरीके से ही इसकी कटिंग जो है वो हुई है, तो मैं अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग जो है वो भी करना आपको बताऊँगी। तो देखिए सलवार की कटिंग हमारी जो है जी हो चुकी है, और ये एकदम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कटिंग जो है वो मैंने आपको करना बताई है। तो अभी अगली वीडियो में जो है मैं इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी, अगर स्टिचिंग भी इसी वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो की प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो को करते यही पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।